नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इलाके में फैक्ट्री से लौट रहे एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद डाला। युवक अपनी जान किसी तरह भगाकर बचा। क्षेत्रवासियों ने घायल युवक को देख 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, क्या नाम आपका? इलियास। इलियास, क्या घटनाक्रम हुआ भैया के साथ में? पता नहीं, बेटा मेरा कारखाने से जा रहा था छुट्टी करके घर पे, को लड़के के रास्ते में वारदात हुई मुझे तो, और ही लोगों ने फोन किया कि आपके बेटे के साथ में वारदात हुई है, चक्कू वक्कू मार दिए हैं, पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, उन्होंने ही फोन किया मुझे। मैं बोले कि घर पे चला गया, बहुत जल्दी आया हूँ मैं, लेकिन भीड़ इकट्ठी हो गई थी। समर गार्डन वाले जो चौकी वाले, उन्होंने आए, उन्होंने ही देखभाल करी है, जो भी है वही लेकर के आए। क्या मामला है? मामला मैंने बेटी की निकाह करा था, बेटी की शादी करी थी, तो वो धमकी देता है, मैंने लड़की को 2 दिन में तलाक दे दी थी उनने। 7 अप्रैल को करी थी, 9 अप्रैल को तलाक दे दिया। तो भाई के ऊपर हमला करा उन्होंने? नहीं, हाँ, वो लड़का मेरा बेटा है। तो किसी से वार की? चाकू लगे हुए उसके लड़के के। अच्छा, किसी का नाम वाम वगैरह मालूम है? हाँ, नाम वो लड़का ही बता रहा है, जो भी बताएगा देखो मारते, जो कोई मौके वारदात पता वही था, कोई साथ तो उसके था नहीं। वहाँ की पब्लिक बता रही कि बहुत सारे लोग थे, इधर को गई भाग गए, लड़का इकला ही था मेरा, ये एक मीनारा मस्जिद की तरफ की बात है, लड़का इकला ही था मेरा ये। वो धमकी देता बार 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 के, या तो केस वापसी ले लो अपना, नहीं कोई से लड़के को मार दूंगा मैं तुम्हारे। कौन है वो? लड़की का सुसर है। क्या नाम है? चांद। चांद है, लड़का है उसका अनस है, और जो उसके साथ होंगे लड़का, देखो वो बताएगा।